हे गाइस, कैसे आप सब लोग। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मोमोज की चटनी की रेसिपी। और यस, इसके बाद मैं मोमोज की रेसिपी भी कल शेयर करूँगी। सबसे पहले हमें चाहिए मिर्चियाँ, तो मैंने यहाँ पे लाल सूखी मिर्च ली है, जिसका आपने क्या करना है, ऊपर वाला जो पार्ट है उसको ऐसे निकाल देना है इस तरीके से। फिर उसके बाद आपको चाहिए टमाटर, मैंने लिए 3 टमाटर जिसको मैंने इसे 4 हिस्सों में काट दिया है, बीच में से थोड़ा थोड़ा, ताकि उसका छिलका इजीली निकल पाए जब हम उसे अच्छे से बॉईल करें। तो मैंने इसके 3 टमाटर लिए हैं। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, पानी डालेंगे, क्योंकि मेरे टमाटर बहुत बड़े थे तो मैंने इनको हाफ हाफ कर दिया। और अब इसको हम 10-15 मिनट के लिए कर देंगे, बॉईल होने देंगे अच्छे, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए दोनों चीज़ें ही। और इसको ढक देंगे। अगर आप ढक नहीं रहे हो तो आपको एक दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एडजस्ट फैन ऑन कर दो, लाल मिर्च बना रहे हो यार, खिड़कियाँ खोल दो, दरवाजे खोल दो, वट एवर। अगर ये आपको करना इसलिए ज़रूरी है, नहीं तो खांसी होगी और जलेगा, तो इसलिए इसका ध्यान रखना है। 15 मिनट के लिए मैंने इसे 15-20 मिनट में ऐसे होने दिया। और ये आप देख रहे हो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। अब आप इसका छिलका भी इजिली ऐसे ही निकाल पाओगे। अब आपको पता चलेगा, रियलाइज़ होगा कि इसको ऐसे, ये देखो इस तरीके से आप बहुत इजीली इसको रख सकते हो। मैं इसको जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में साथ साथ गर्म ही रख रही थी। आप इसे 5 मिनट ठंडा होने रख दो, पानी निकाल कर छान कर, और फिर उसके बाद इसका छिलका निकाल लो। साइड वाला पार्ट जो होता है ग्रीन वाला, वो तो हमने वैसे ही निकाल लिया था। बाकी जो हमारी मिर्चियाँ हैं वो सॉफ्ट हो चुकी है। आप इन छिलकों को दो फेंक और टमाटर और मिर्च ले लो। इसका अब हमने क्या करना है, देख रहे हो ये बिल्कुल हो चुका है सब सही से। अब हमें इसको क्या करना है, एक लेना है कोई भी मिक्सर लो, ग्राइंडर लो, चॉपर लो, वट एवर यू वॉन्ट, और उसके अंदर अपनी मिर्च और टमाटर दोनों डाल दो। इट्स टू हॉट इसलिए मैं थोड़ा कर रही हूँ, प्लीज़ अंडरस्टैंड। सो वट यू हैव टू डू नाउ इज दैट आपको इसको मिक्स कर देना और इसकी प्यूरी टाइप बना लेनी है। इसके अंदर आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैंने इसके अंदर 1/2 कप वाटर ऐड करा है। ऐड करने के बाद पानी मैं इसको कर दूंगी मिक्स, और मैं लूंगी एक पैन फिर से। ये मैंने वही पैन लिया, इसको क्लीन कर दिया। अब मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा ऑयल, तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ 2 चम्मच एग्जैक्ट ऑयल। लो फ्लेम पे सिम पे रखना अपनी गैस को, और फिर उसके बाद आप इसमें डाल दो 2 चम्मच ऑयल। और आपको क्या चाहिए, अदरक और लहसुन, इनका छोटे छोटे आपको काट लेना है। 1 चम्मच जितना मैंने ली डाल दिया लहसुन, और उतना ही डाल दिया अदरक, और इसको कर दीजिए मिक्स। आई एम सॉरी फॉर द ट्यून्स, ये आयुष का बच्चा, माय ब्रदर इफ यू डोंट नो, उसने फ़ोन यहाँ पे चार्ज करना छोड़ दिया और सारा की सारी आवाज़ आई जा रही है भरभरी, तो वो छोड़ो। मैंने इसके अंदर डाल दी, अब जो हमने प्यूरी बनाई थी ना, जैसे ही आपकी अदरक और लहसुन 1-2 मिनट तक थोड़ी कुक हो जाए, कच्ची ना रहे, उसके बाद आप उसमें डाल दीजिए अपनी टोमेटो और मिर्ची की प्यूरी जो हमने अभी रखी थी। उससे क्या होगा, अब ये थोड़ी सी इसके अंदर पानी पानी है, आप इसके अंदर इसके थोड़ा सा अभी और कुक होने दो इसे थोड़ी देर, और इसमें डाल दो थोड़ी सी टोमेटो सॉस 1-2 चम्मच, और इसे कर दो मिक्स। थोड़ी देर आपको इसको कुक करना है, 5-10 मिनट और। लो फ्लेम पे ही रखा है मैंने इसे, लो से मीडियम फ्लेम पे, बहुत ज़्यादा भी नहीं। थोड़ी सी डालेंगे सोया सॉस 1 टीस्पून जितनी, कुछ ड्रॉप्स ही डाली मैंने इसमें, उसको कर दीजिए मिक्स। साथ में हम डालेंगे यहाँ पे नमक, 1/2 चम्मच मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ नमक, और 1/2 चम्मच ही हम डालेंगे इसमें चीनी। और लास्ट इंग्रेडिएंट जो हमें इसमें डालना है वो है विनेगर या फिर लेमन जूस, जो चाइनीज़ खाने में विनेगर डलता है वो वाला विनेगर मैंने इसके अंदर डाला, या फिर आप चाहो तो वो भी यूज़ कर सकते हो, कुछ बूंदे यूज़ कर लो लेमन जूस की। और इसके बाद अभी थोड़ी देर और कुक करेंगे अच्छे से, तो कलर और ज़्यादा डार्क हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि जो
विनेगर डाल दो और आप इसको थोड़े टाइम के लिए स्टोर कर सकते हो, थोड़े दिन आप इसे फ्रिज में बर्तन में रख दो एंड डन। ये देख रहे हो, ये चटनी आपकी रेडी हो गई है। मान यार, मतलब क्या स्वाद था इसका, इतनी सही खुशबू आ रही थी ना, और बिल्कुल जैसे हम स्ट्रीट स्टाइल बाहर में मोमोज की चटनी खाते हैं ना, कलर भी इसका वैसा है, टेस्ट भी इसका बहुत हद तक वैसा था और मज़ा आ गया। आप इसे सिर्फ मोमोज की चटनी नहीं, आप इसे एज अ स्टार्टर किसी के साथ भी खा सकते हो। स्पाइसी सी आपकी एक सॉस बन गई है, इट्स रेडी, आप इसे इंजॉय करो थोड़े दिन, कोई दिक्कत नहीं है। एंड या दैट्स इट, आज की वीडियो में आपके साथ मोमोज की चटनी शेयर कर रही हूँ। कल की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी तीन तरीके के मोमोज, क्योंकि मोमोज मैंने आपको बोला था एक दिन मोमोज का बनाना है, जिसके अंदर मोमोज से रिलेटेड सारी काफ़ी कुछ आपको सिखाने की कोशिश करूँगी। तो मैं कल आपको साथ शेयर करूँगी तीन तरीके के मोमोज। जो सबसे पहले आपने देखे थे वो थे स्टीम मोमोज, सेकंड नंबर में पैन फ्राइड मोमोज, और थर्ड नंबर पे मैरिनेटेड मोमोज। और साथ में हमने ये चटनी रखी है और मेयो रखी है, एंड ओए होए होए क्या मस्त थे खाने में। कल आपके साथ इनकी रेसिपी शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब करके जाइए। बाय।